हेलो 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 हेलो, नमस्कार। आप सारे विद्यार्थियों को कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पिछले एक क्लास में जो भी चीज़ें हमने आप सबको पढ़ाया है, वो सारी चीज़ को आप सभी लोग करके भी, रिवीजन करके भी आए होंगे। तो चलिए आप सबको मैं बता दूं कि एसएससी जीडी का ये जो उम्मीद बैच है, उसकी आज गणित की दूसरी क्लास है। और पहली क्लास में हमने आपको सिखाया था जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, उसका डिटेल जानकारी आपको हमने दिया था। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि पिछले क्लास में जितने भी नंबर्स के बारे में जानकारी हमने आपको दिया था, उन सारी चीज को आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए, बार बार उस चीज को रिविजन करिए और एक बढ़िया सा कॉपी आप जो है रखिए और सारी चीज को आप लिखिए, ताकि एग्जाम के टाइम में यदि आपके पास एक सटीक हर सब्जेक्ट का जब फ्रेश कॉपी लिखा रहेगा, तो आप एग्जाम के टाइम में बहुत जल्द और बहुत कम समय में सारे चीज को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है भाई, सबको भाई सबको 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 जो है गुड मॉर्निंग सारे के सारे विद्यार्थी को, है ना। तो यहां पर आइए शुरू करते हैं सेशन को। क्या इजाजत है आप लोग का? क्योंकि जितनी भी डिटेल बातें थी, डिटेल जानकारी थी, सारी की सारी जानकारी आप सारे विद्यार्थियों को हम पिछले क्लासेज में दे दिया था। क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सर पढ़ाएंगे, हर चीज की चर्चा जो है बिल्कुल कर दिया गया था। हाँ, मैं फिर से एक बार चर्चा ये कर देता हूं कि एसएससी जीडी की ये जो उम्मीद बैच है भाई साहब, उम्मीद बैच है, इसकी जो फी है वो केवल और केवल रखा गया है 350 आपका। और 350 ये जो आपका फी है वो ऑल सब्जेक्ट का आपका है। क्या भाई साहब, ये ऑल सब्जेक्ट की फी जो है वो 350 आपका है, क्लियर है? यानी 350 आप पेड करके आप एसएससी जीडी के सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, है ना। यहां पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, देख लो आज की क्लास में मैं मोटा मोटी मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा मैं बता दे रहा हूं। देखो पढ़ाएंगे डिटेल में, मोटा मोटी आपको हम टॉपिक बता रहे हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे, रोमन नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? रोमन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आज के क्लास में बाइनरी नंबर पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इकाई अंक पढ़ेंगे आपका, यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थी जो है बिल्कुल तैयार होंगे, है ना। रोमन अंक, बाइनरी नंबर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और यूनिट डिजिट, ये चार टॉपिक जो है आज के क्लास में हम लोग जो है खत्म करने वाले हैं। आइए रोमन नंबर यहां पर शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, हेडिंग भी सब लोग लगा लेंगे, रोमन, रोमन नंबर यहां पर। और इधर देख लो, यहां पर इधर हम लिख सकते हैं इसको डेसिमल नंबर हम लिखेंगे। देखिए ना, ये आपका हो गया रोमन और यहां पे हो गया ये डेसिमल हो गया। प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, डेसिमल नंबर दे देगा और रोमन में आपको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। तो कुछ डाटा है जो आप सभी को याद रखना है। सबसे पहला डाटा यहां पर, अगर डेसिमल नंबर वन है तो याद रखना रोमन में इसको हम आई कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिए, अगर डेसिमल नंबर पांच है तो इसको रोमन में हम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? भी। और ये अपनी शौक से जो है ऊपर नीचे इसको पैक कर सकते हैं, अपनी शौक से इसको आप पैक कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम 10 ले लेते हैं तो 10 को हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। इतना भी चलेगा, नहीं थोड़ा सा सुंदर दिखेगा जब इसको ऐसे लिख देंगे आप तब, ठीक ना। 10 के बाद आप आ जाइए सीधे 50 पर, तो 50 को हम कहते हैं एल, 50 को हम कहते हैं एल। इसके बाद आ जाइए आप 100 पर आ जाइए, तो 100 को हम कहते हैं सी। और इसके बाद आ जाओ 500 पर, 500 को हम कहते हैं डी। और इसके बाद आ जाइए 1000 पर, और 1000 को हम कहते हैं एम।
कहीं ना कहीं ये सब डेसिमल का मान आपको रोमन में क्या करना है, याद रखना है, रिमेंबर इट, इसको क्या करना है चला, याद कर लेना है। क्योंकि यदि ये चीज आपको याद नहीं रहेगा तो आप कोई भी डेसिमल नंबर को रोमन में नहीं बदल सकते। अगर आपको बदलने के लिए सीखना है तो इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। बोलो, एक का क्या होता है आई, पांच का भी, दस का एक्स, पचास का एल, सौ का सी, 500 का डी, हजार का एम। जल्दी से इसको नोट करिए। बाकी लिखने का कुछ रूल्स है उसके बारे में भी यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे आपका, ठीक ना। जल्दी से नोट करिए फटाफट सब लोग। चलिए, सर जी, इस बार मेरा डीएलएड में एडमिशन हुआ है, उसका स्टडी कब से स्टार्ट होगी? डीएलएड का विचार करते हैं और बहुत जल्द हम शुरू करेंगे उसका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रूल्स क्या है तो जरा रूल्स नंबर एक देखिएगा। रूल नंबर एक देखो, आई जो कि एक का मान है, एक्स जो कि दस का मान है, फिर सी जो कि सौ का मान है, एम जो कि हजार का मान है, को मैक्सिमम तीन बार लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा सब लोग, मैक्सिमम आप तीन बार लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान देना है। मैक्सिमम हम तीन बार आप लिख सकते हैं, ये इसका रूल है, रूल नंबर एक। बाबू ध्यान देना, आई को, एक्स को, सी को, एम को आप मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं? तीन बार लिख सकते हैं। लेकिन अब बच कौन गया? देखो, एक है, एक पर जीरो दस, एक पर दो जीरो सौ, एक पर तीन जीरो वाला, को तीन बार आप अधिक से अधिक लिख सकते हो। दो बार भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तीन बार, तीन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम पांच यानी भी की बात करें, पचास यानी एल की बात करें, 500 यानी डी की बात करें, तो इसको सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। आप इसको दो बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 अगर हम लेते हैं, 10 अगर हम ये कह दे कि पांच को आप एक से ज्यादा बार लिख सकते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसे पांच लिखेगा, आप पांच लिखेगा, कहेगा सर 10 का हो गया, जो कि गलत है। 10 का मान पांच और पांच 10 नहीं होता है। आप भी को एक से ज्यादा बार लिखिए नहीं सकते हैं, है ना। तो 10 का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। 30 की यदि हम बात करें तो 30 का कितना होगा? तो 30 का हो जाएगा 10, 20, 30 हो जाएगा आपका, क्योंकि आप इसको तीन बार ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। 10, 10, 10 तीन बार लिख दिया, 30 हो गया। इसको हम तीन बार लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेगा कि सर 40 को कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है बाबू, 40 को आप 10, 10, 10, 10 चार बार नहीं लिख सकते हैं। अरे देखो, चार बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम इसको आप तीन ही बार लिख सकते हैं। तब कहोगे सर 10, 10, 10, 10 चार बार करेंगे तब 40 होगा। अब आप कह रहे हैं कि तीन बार ज्यादा लिखे भी नहीं करेगा, एक और मतलब ये हुआ कि 40 को कैसे लिखेंगे? ये गलत है, 100% गलत है। तो 40 को बाबू जब लिखना है तो सुनो गौर से, 50 लिख लेंगे और 10 इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। 10 घटाने का मतलब क्या है कि 10 को पीछे लिखना, एक्स को पीछे लिखना। जैसे अगर 60 का लिखना रहेगा तो 50 लिख लेंगे और उसके बाद जो है 10 को आगे कर देंगे। देखिए, 50 और 10 मिलके हो गया 60, अब 50 से 10 पीछे लिखे तो घट गया। जो डाटा को रोमन में पीछे लिखते हैं उसका मतलब घटना होता है, और जिसको आगे लिखते हैं उसका मतलब बढ़ना होता है। क्लियर है? तो 40 की बात करें तो एक्स एल हो जाएगा, और 60 की बात करें तो एल एक्स हो जाएगा। चलिए फटाफट जल्दी से नोट करिए सभी लोग। कृष्णा, प्रिंस, खुशबू, अभिनव, बम्बम, नेहा, ऋषिकेश, महेश, रितु,
जूही। चलिए बहुत अच्छी बात है आपका, सारे के सारे विद्यार्थी लाइव हैं। हुसैन जी क्या करें, हमारा नाम नहीं ले रहे सर। बिल्कुल नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं। चलिए तो यहां पर ये रूल है, आप सबको ध्यान रखना है कि देखो आई 10 का एक्स, 100 का सी, 1000 का एम को आप अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं। बाकी यदि हम इन सब की बात करें, 5 का भी हो जाएगा, 50 का एल हो जाएगा, 500 का डी हो जाएगा, इसको आप कितने बार लिख सकते हैं? एक बार लिख सकते हैं। इसको आप सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है। कहोगे सर 40 लिखना रहेगा तब क्या करेंगे, तो सिंपल है बाबू, 10 10 10 10 चार बार तो नहीं ना लिख सकते हैं, तो क्या करिए 10 लिखिए, सॉरी एल लिखिए 50, और उसमें से 10 घटा दीजिए। घटाने का मतलब पीछे लिखना, तब 40, और वही 10 को अगर आप आगे लिख लेंगे तो 50 और 10 जुट के कितना हो जाएगा 60। आगे लिखने पर जुट जाएगा और पीछे लिखने पर घट जाएगा, तो कहानी यहां पर यह है। अब आपको हम सिखाते हैं कि कोई और बड़ा से बड़ा डेसिमल नंबर को रोमन में कैसे बदलते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, जैसे मान लेते हैं कि 584 दिया हुआ है और इसको बदलना है आपको रोमन में, तो बहुत सरल है, इसको आप पहले तोड़ो। देखो 500, 5 पर 2 जीरो, फिर 8 पर 1 जीरो, 80 और प्लस का 4, यानी नंबर्स को आप विस्तार करिए, उसको एक्सपेंड करिए आप। 584 का मतलब होता है 500 प्लस 80 प्लस 4, जोड़ दीजिए 584 पूरा जाएगा। अब देखिए ऐसे तोड़ के और रोमन में लिखिए तो 100% सही होने की प्रबल संभावना होता है। ठीक है भाई, 100% सही लिखने की प्रबल संभावना होता है। सुनो 500 को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। अब लिखना है हमको 80 लिखना है, 80 लिखना है, तो 80 लिखना है तो कैसे करेंगे? देखो 50 और 30, अरे 3 बार तो x को लिख ही सकते हैं हम, 3 बार तो लिख ही सकते, 50 30 80 हो गया। चार का मतलब 4 लिखना है, तो 1 1 2 3 4 बार नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा करो 5 लिख के, 5 लिख के, भी लिख के, आई 1 घटा दीजिए, आपका 4 हो जाएगा। 5 लिख के 1 घटा दो 4 हो गया। अब इन सब को मिला के लिख दीजिए, देखो डी एल एक्स 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 आई भी आपका, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं, एक चेला कह रहा है 99 का कैसे लिखेंगे, देखो तो 99 90 बोल रहा है, 90 90 90, बहुत सिंपल है। 90 का मतलब देखो एल 50 है, 50 10 60 10 70 10 80 10 90, एक्स कई बार हो गया? 4 बार, और आपको पता है कि मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, मतलब ये गलत है। तो सी मतलब 100, 100 लिख के और 10 घटा लीजिए, बात समझिए, 100 लिख के और 10 घटा लीजिए, 90 लिखा गया आपका। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर आप ले लीजिए सब लोग और ले लीजिए, जैसे 899 ले लिए, 899 ले लिए, तो 899 को हम क्या लिखेंगे? देखो 800 तोड़िए इसको और प्लस में 90 और प्लस में 9 हो जाएगा। अब 800 लिखना है तो देखो D का मतलब 500, 500 के बाद 600 700 800, अरे 3 बार तो C लिखिए सकते हैं। 90 लिखना है तो C 100 लिख के और 10 घटा दीजिए, 90 हो गया, और 9 लिखना है तो 10 लिख के और 1 घटा दीजिए, तो आपका 9 हो गया। सबको मिला दो डी सी 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 एक्स सी आई एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा आपका। और जो विद्यार्थी ऐसे नहीं तोड़ के बनाएगा, वो मैं गारंटी दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि वो आपका फंस जाएगा। एक में ना फंसे, दूसरे में ना फंसे, तीसरे में जाके जरूर आपका फंसेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी को जो है चीजें समझ में आया होगा। एक बार आप सब लोग, जो लोग चीजों को समझ पाए एक बार फटाफट सब लोग कमेंट करके बताइए कि आप चीजों को समझ पाए, एक बार कमेंट करके बताइए यस और नो, यस और नो, एक बार समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए। हम भी थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपकी क्या फीडबैक है, चीजों को आप समझे या नहीं, क्या फिर से बताने की जरूरत है, एक बार कमेंट करके बताइए सब लोग।
धनंजय कुमार क्या करें, 99 को सर रोमन में लिखिए। देखो भाई साहब लिख लो, 99 को लिखना है रोमन में तो तोड़ना जरूरी है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90+9 हो जाएगा, 90+9 99। और 90 को लिखिए सी, 100 लिख के 10 घटा दिए 90, और 9 लिखना है तो x लिख के 1 घटा दिए तो 9 हो गया है। ये 90 और 9 दोनों को मिला दीजिए, एक्स सी आई एक्स, 99 का मान ये है। अगर कोई विद्यार्थी यहां पर सी 100 लिख के 1 घटाता है तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। 100 लिख के 1 घटाता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यों, तो क्योंकि 100 अगर आप लिए हैं, 100 लिए हैं तो 100 में से सीधे आप 1 नहीं घटा सकते हैं, उससे पहले क्या है यहां पर 10 है, x है, यानी c के साथ अगर कुछ घटाना और जोड़ना है तो पहले हम किसको 10 को करेंगे, ना कि यहां से यहां ना करके सीधे छलांग यहां लगा लेंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे थे बाबू कि इसको तोड़ के बनाना जरूरी है। 99 को जब तोड़े 90+9 में तो 90 का अलग लिखिए, 9 का अलग लिखिए, और दोनों को मिला दीजिए तो 99 का मान हो जाएगा, और ये 100% सही आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे विद्यार्थी समझ गए, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग देखो, सब लोग हर लोग फीडबैक दिया करिए, मतलब यस नो आप बताइए, नहीं अगर समझ में आया तो फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे, डाउट है तो उसको धड़ से जो है कमेंट में उसको लिख दीजिए, आई बात समझ में, क्योंकि इस बार जो है आप सारे विद्यार्थियों से हमें रिजल्ट चाहिए, हमें चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको तो दूर की बात है, हमें चाहिए रिजल्ट इस बार आप सारे विद्यार्थियों से, और आपको देना पड़ेगा, आपको रिजल्ट जो है देना पड़ेगा। और इसके लिए बस दो ही चीज है, कल मैंने बताया था, रेगुलर क्लास और रेगुलर रिवीजन। जब तक आपके अंदर अगर रेगुलरिटी नहीं आएगी तब तक आप सफल नहीं हो सकते, सीधी सी बात आपका है, रेगुलर रहिएगा, रेगुलर रिवीजन करिए, 100% आप सक्सेस होंगे, और बहुत सारे कंटेंट एक एक दिन में आपको हम देने वाले हैं, ठीक ना। तो यहां पर दो चार को होमवर्क आपको हम लिख दे रहे हैं, आप सारे विद्यार्थी घर पे कर लीजिएगा, जल्दी से लिखिए 67। यहां पर देखो, यहां पर 284 को करना है, 284 को बदलना है, फिर यहां पर 536 को बदलना है, फिर यहां पर 999 को बदलना है, तीन ठो आपका होमवर्क है, आप सब लोग कर लीजिएगा। हिंट कहिएगा तो मैं कर दूंगा, देखो इसको पहले तोड़ना है 200+80+4, और इसको तोड़ना है देखो 500+30+6, फिर इसको तोड़ना है 900+90 और प्लस में 9, और इसका अलग लिखिए, इसका अलग लिखिए, इसका अलग लेके मिला दीजिए, इसका अलग 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 लिख के मिला दो, अलग 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 लिख के मिला दो, जो आएगा वही 100% आंसर होगा। तो ये आप सारे विद्यार्थियों के लिए होमवर्क है, आप सब लोग लिख लीजिएगा, और घर पे अभ्यास जरूर करना है आप सभी को, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलो बताइए, रोमन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद बताइए तो कौन सा टॉपिक आपको हम लिखाए थे, सब लोग कमेंट करके फटाफट बताइए, इसके बाद हम कौन सा टॉपिक जो है आपको लिखाए थे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एकदम फटाफट। सब लोग कमेंट करके बताइए भाई साहब, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो जी, रोमन कंप्लीट हो गया, आज हम चार टॉपिक को उठाए हैं, इसके बाद बाइनरी पे आते हैं, बाइनरी बनरी ना बाइनरी। देखिए यहां पर सारे विद्यार्थी देखेंगे जी, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट सिर्फ दो गो होता है, जानते हैं कौन कौन होता है, जीरो होता है और वन होता है, जीरो होता है और वन होता है, समझे, चला, जीरो और वन होता है, इस बात का ध्यान दीजिए, बाइनरी डिजिट सिर्फ जीरो और वन होता है। कृष्णा भाई बोल रहे हैं कि नहीं पता है सर क्या अगला पढ़ाने वाले हैं, अरे मैंने क्लासेज के स्टार्ट में मैंने लिखा था, समझे, बाइनरी डिजिट,
सेकेंड टॉपिक हमारा है। तो बाइनरी डिजिट यहां पे हो जाएगा भाई साहब जीरो और वन हो जाएगा। खुशबू क्या बोल रही है, 899 को फिर से समझाइए। तो सर 899 को फिर से समझाना है, लो समझा देते हैं कहां गया। पहले तो इसको तोड़ना है 800 में, हाँ? फिर 99 तो मतलब 90 और प्लस 9 जोड़ दीजिए। देखो 8 पर 2 जीरो, फिर 9 पर 1 जीरो, आई पूरा का पूरा 9 क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं। तो 800 90 9 में तोड़ना है, 800 लिखना था, 500 लिखे डी 500, अरे 100 100 100 तीन बार तो लिख ही ना सकते हैं, तो 500 600 700 800 हो गया ये। और 90 लिखना है तो 100 लिख के 10 घटा दिए तो 90 हो गया, और 9 लिखना है तो 10 लिख के एक घटा दिए तो आपका 9 हो गया। आप इन सबको मिला दिए तो डी सी 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 एक्स सी आई एक्स आपका, ये कहानी है। यहां पर देखिए बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1 होता है, क्लियर है भाई? बाइनरी और डिजिट बताओ क्या होता है, बाइनरी डिजिट 0 और 1 होता है। अब मुख्य रूप से जो है आपको इसमें कन्वर्जन पूछता है, कुछ कुछ चीजें जो आप सभी को याद रखना है। देखो इधर हम लिख रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं डेसिमल, इधर लिख रहे हैं हम बाइनरी लिख रहे हैं। बात समझिए, इधर लिखेंगे हम डेसिमल और उधर लिखेंगे हम बाइनरी। सुनिए सब लोग ध्यान दीजिए, अगर डेसिमल नंबर जीरो है तो बाइनरी में उसका मान कितना होगा, जीरो होगा आपका। अगर डेसिमल नंबर यहां पर एक है तो बाइनरी में मान कितना होगा, एक ही होगा। अगर डेसिमल नंबर दो है, फिर इसके बाद तीन है, फिर इसके बाद चार है, इसके बाद पांच है, इसके बाद छह है, मतलब ये सब डेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी में क्या करना है, हमें चेंज करना है। समझे बाबू, डेसिमल को बाइनरी में क्या करना है, बदलना है। तो पहले तो यहां पर कुछ मान लिख लीजिए और इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। सुनिए, बाइनरी में लिखना है तो आपको सिर्फ जीरो और वन ही प्रयोग करना है, इसके अलावा किसी का प्रयोग नहीं करना है। अब बोलिए जीरो का जीरो वन का वन, दो का लिखना है कि दो का कितना होगा। तो बताइए आप ही लोग से पूछ रहे हैं कि वन के बाद कौन ऐसी संख्या है, वन के बाद कौन ऐसी संख्या है जो इससे बना है। तो वन के बाद देखो दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, छह नहीं है, सात नहीं है, आठ नहीं है, नौ नहीं है, अगला क्या होगा, दस। दस देखो तो क्या इसी से बना है, इसी से बना है। तो याद रखना, याद रखना, अगर डेसिमल नंबर दो है तो बाइनरी नंबर उसका मान दस होगा, बाइनरी में मान दो का दस आपका होगा। यानी याद रखना कि बाइनरी में हम वही संख्या लिखते हैं जो इन सब से बना होता है, जीरो और एक से बना होता है। तो दो का बाइनरी कितना होगा बाबू, दस हो जाएगा। अब यदि हम बात तीन का करें तो आप सब लोग बताइए कि दस का बाइनरी, दस के बाद, दस के बाद वो संख्या सोचिए जो जीरो और एक से बना हुआ है, सोचिए जरा। अरे दस के बाद सोचिए तो दस के बाद लगले ग्यारह, देखो ना, ऐसा नहीं है कि जीरो रहना ही चाहिए। अरे एक से बन जाए या जीरो से बन जाए या दोनों से बन जाए, बात बराबर है आपका, वो सब बाइनरी कहलाएगा। तो 10 के बाद वो संख्या सोचो जो इससे बना है, तो 11 लगले 11, यानी 3 का मान याद रखना बाइनरी में 11 होगा। चलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूं 4 को बाइनरी में क्या कहेंगे, सबका कमेंट आना चाहिए। अभिनव सिंह 800 को सीसीएम लिख सकते हैं, 100% गलत है। 800 को हम लिखेंगे देखो 500 600 700 800 ये लिखेंगे हम, 800 को ये सही है आपका, ये सही है। अगर एम हजार लिख के और 100 घटाएंगे 100 घटाएंगे ये गलत आपका है। कहो गलत कैसे है, तो सिंपल, जब तीन बार रिपीट करने से पूर ही रहा है तो फिर दो बार कम करने की जरूरत नहीं है। ये कम हम लोग तब करते हैं जब ये तीन बार से ज्यादा क्रॉस करता है, तीन बार से ज्यादा। 900 लिखना रहेगा तो 900 में डी लिखेंगे, 500 600 700 800 900, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि चार बार रिपीट हो रहा है। तो वैसी स्थिति में सही कैसे होगा, तो हजार लिख के और 100 क्या करेंगे, घटा देंगे, तब जाके ई सही हो जाएगा आपका। तो जब तीन बार में पुर ही रहा है तो घटाने का जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। बोलिए अंकित मिश्रा 12 कैसे होगा यार, बताओ। डेसिमल में चार है, हम पूछ रहे हैं बाइनरी में मान कितना होगा, तो 11 के बाद वो संख्या सोचिए
जो इससे बना है, 12 इससे बना, देखो तो 2 आ गया इसमें, 13 में 3 आ गया, 14 में 4 आ गया। तो आपको सोचना है इसके बाद ऐसा संख्या जो 0 और 1 से बना है। 11 के बाद सोचो 12, 13, 14, 15, 16, मतलब जो 0 1 से बना है कौन संख्या है, बताइए सब लोग। बिल्कुल सुधा पंडित 4 का 20 बोल रही है। 4 का 20 कैसे होगा जी? 20 में आप हमको बताइए 2 आ गया कि नहीं आ गया, आना सिर्फ क्या चाहिए 0 और 1 आना चाहिए। नेहा भारती का बिल्कुल सही है, 4 का 100। सहमद हुसैन का 111 गलत है आपका, है ना? आंसर करिए, रिप्लाई करिए सब लोग, ठीक है? रिप्लाई सभी को करना है। देखो मैं बता रहा हूं, 4 के बाद वो संख्या जो 0 1 से बना है वो 100 है, इसलिए 4 का बाइनरी मान 100 होता है। 5 का कोई पूछेगा तो 101 हो जाएगा, एक बढ़ाइए 101, और 6 का पूछेगा तो सोचिए 101 के बाद कौन ऐसी संख्या जो इससे बना है, तो आपका जवाब होगा सर 110। तो इसी प्रकार जो है ना 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, सबका लिख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी इतना जो है आप सभी को क्या करना है, याद रखना है, इतना जो है कम से कम आपको याद रखना है कि डेसिमल नंबर अगर 0 है तो बाइनरी मान 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 10 होगा, 2 का 10, 3 का 11, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110, ये डेसिमल की वैल्यूज कुछ बाइनरी में होता है, ठीक है ना? चलिए रविशंकर का बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया आपका। अनुराग का सही जवाब है भाई 110, 110 किसका होगा आपका, 6 का हो जाएगा आपका। विशाल का भी सही जवाब है, विष्णु का भी सही जवाब है, अमित पटेल का भी सही जवाब है, बहुत अच्छी बात है ना? चलिए अभिनव क्या बोल, 010 नहीं हो सकता, 010 अगर लिख दिए तो इधर वाले जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है, 010 इधर वाले जीरो का कोई अर्थ नहीं है। अगर जीरो हम 23 लिखे हैं तो इसका मतलब जीरो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 23 है आपका है, तो 010 का मतलब 10 हो गया, इधर जीरो लगाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब हम कन्वर्जन सीखेंगे, जैसे सब छोटी छोटी संख्या था तो इसका बाइनरी लिख लिए, लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या रहेगा जैसे 100, 200, 500, 224, 248 तब उसको बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे, ये चीज यहां पे सीखना है। तो देखिए यहां पे हेडिंग लगा लेंगे सब लोग, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी को हम बदलेंगे किसमें, डेसिमल में। तो देखिए बहुत सिंपल है, बाइनरी नंबर यहां पर दे दिया है, मान लेते हैं कि 84 दे दिया है आपका, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल नहीं, डेसिमल टू बाइनरी, पहले डेसिमल टू बाइनरी तब उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल को बाइनरी में बदलना है तो लीजिए एक क्वेश्चन हम ले लिए, यहां पर 84 है डेसिमल नंबर और इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में, व्हाट बाइनरी? आप कहोगे सर 10 और 2 का है लिख रहे हैं, तो अरे बाबू डेसिमल, डेसिमल जो है ना डेसिमल नंबर ये है, इसको दिखाने के लिए हम बेस में 10 लिखते हैं और ये बाइनरी नंबर है इसलिए यहां पर हम 2 लिखते हैं, इसलिए 2 लिखते हैं क्योंकि बाइनरी डिजिट 2 को होता है और डेसिमल डिजिट क्या होता है, 10 को, कल के क्लास में बताए थे आपको। तो ये डेसिमल है और उसको बाइनरी में क्या करना है, आप सभी को बदलना है, क्लियर है? डेसिमल है और बाइनरी में क्या करना है, आपको बदलना है। आप कहोगे कि सर कैसे होगा, तो सीखिए हमारी बात को, यहां पर देखिए 84 ऐसे लिखेंगे और 2 से भाग लगाएं, किससे, 2 से हमेशा, इधर जो है शेषफल को हम लिखते जाएंगे, बोलिए 2 से भाग लगाएं तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4, शेषफल 0 बच गया, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा आपका, पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 0 हो गया, फिर 2 से भाग लगेगा 10 बार में तो शेषफल 1 हो जाएगा इस बार, फिर 2 से भाग लगेगा 5 बार में, पूरा पूरा लगा तो शेषफल 0, आ फिर 2 से भाग लगेगा 2 दूना 4 2 बार में शेषफल 1, आ फिर 2 से भाग लगाएं 1 बार में तो शेषफल कितना, 0, ठीक है?
और जब सबसे आखिरी में एक आ जाएगा, इधर शेषफल लिख रहे हैं आप भाग लगा रहे हैं बार बार दू से, आप बीचवा में कई बार में भाग लग रहा है भागफल लिख रहे हैं, तो जब सबसे आखिरी भागफल एक आ जाए, समझे चला, जब सबसे आखिरी भागफल एक आ जाए तो नीचे से ऊपर उसको हम क्या करते हैं लिख देते हैं, नीचे से उसको ऊपर हम क्या करते हैं लिख देते हैं, तो बोलो ना एक जीरो एक जीरो एक जीरो जीरो आपका, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर कोई गलती से दो यहां नहीं भी लिखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहेगा तो भी ठीक है, नहीं लिखा रहेगा तो भी ठीक है, और याद रखना यहां पर नीचे से ऊपर लिखते हैं, कभी भूल से ऊपर से नीचे मत करिएगा नहीं तो हो जाएगा गड़बड़ आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आप 84 को बाइनरी में बदल सकते हैं। बाइनरी में बदलने के लिए बाबू तरीका क्या है कि आप दो से भाग देते रहो तब तक जब तक यहां एक ना बन जाए, और जैसे ही एक बनेगा पक्का कभी ना कभी बनेगा नीचे से ऊपर की ओर लिखना है एक जीरो एक जीरो एक जीरो जीरो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप सब लोग नोट करिए और अगला एक सवाल आपको हम देंगे उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, जल्दी से इसको नोट करिए। उम्मीद करते हैं किसी को कोई समस्या इसमें नहीं हुआ होगा। पेन पेपर के साथ बाबू सब लोग बैठिए, एकदम कॉपी कलम जो है आपके साथ होना चाहिए, और क्लास करिए, चीजों को बढ़िया सा नोट करिए एकदम, ताकि रिवीजन में कम समय में सारी चीज रिवाइज हो जाए, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगा। और इतना हमारा दावा है कि जो कॉपी आपकी तैयार होगी, जो हमने आपको पढ़ाया होगा, वही चीजें जो है प्रश्न पूछेगा, हमें पता है, ठीक है ना, उसी पैटर्न पर सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए जल्दी से इस चीज को नोट करिएगा, जल्दी जल्दी नोट करिए, यदि आपकी इजाजत है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। बताइए इजाजत है, बढ़े सिपाही बनना है ना सबको, बताइए भाई सिपाही बनना है यस और नो, एक बार कमेंट करके बताओ सब लोग सिपाही बनना है कि नहीं बनना है, देश की रक्षा करना है या नहीं करना है, बताइए एक बार कमेंट में सब लोग यस और नो। लीजिए एक सवाल भी आपको हम दे दिए यहां पर, 100 137 दे दिया, और 137 डेसिमल नंबर है और इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में। चलिए यदि आप सभी को सिपाही बनना है, बहुत अच्छी बात है, यस 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 आ रहा है, तो आप सभी को इस सवाल का आंसर करना होगा। तरीके यहां पर आपके सामने हैं, जल्दी से सारे विद्यार्थियों के अकाउंट से जो है इसका आंसर आना चाहिए, तभी जो है आप सिपाही बनने काबिल जो यहां पर हो सकते हैं। जल्दी से आंसर करो फटाफट सब लोग, बहुत अच्छी बात है, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम सर 100%, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कृष्णा को दरोगा बनना है, बहुत अच्छी बात है, दरोगा में भी आपका ये सब काम करेगा जी, दरोगा में भी आपका मेंस में खास करके ये सारी चीजें काम करेगा आपका, वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत कम होते हैं लेकिन काम करेगा आपका। अभिनव भाई दो से, उनका क्वेश्चन है सर दो से डिवाइड करना जरूरी है, चार से नहीं कर सकते, दो से ही आपको करना है 100%, दो से ही करना है, ये बात आपको फिक्स है, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से कम आता है, यदि आप दो से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, एक आएगा शेषफल, नहीं तो जीरो आएगा, और आपको चाहिए क्या बाइनरी में बदलने के लिए, आपको चाहिए क्या एक और जीरो ही तो चाहिए, एक और जीरो ही तो चाहिए, तो एक और जीरो ही सिर्फ मिले, इसीलिए हम दो से डिवाइड करते हैं,
कभी तीन से चार से पांच से डिवाइड नहीं करते हैं, नहीं करना है आपको। चलिए सब लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी फटाफट एकदम। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं भी इधर बता दे रहा हूं, 137 लिख के और इसे दो गोला कीर खींच देंगे ऐसे आपका। अब फिर देखो यहां दो से हम डिवाइड करेंगे, आ इधर लिखते जाएंगे शेषफल। देखो दो छक 12, एक पर सात 17, तो दो अठे 16, शेषफल एक बचा। फिर दो से भाग लगाएंगे 34 में, पूरा पूरा भाग लगा तो शेषफल 0। फिर दो से भाग लगाएंगे 17 बार में तो पूरा पूरा लगा तो 0। फिर दो अठे 16, शेषफल 1। फिर दो से भाग लगा 4 बार में, शेषफल 0। अब फिर दो से भाग लगा 2 बार में, शेषफल 0। अब फिर दो से भाग दिए 2 में 1 बार में, तो शेषफल कितना 0। अब नीचे से ऊपर यहां पे क्या करेंगे, लिख देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा सब लोग आंसर, 1 के बाद 1 2 3 गो 0, फिर 1, फिर 2 गो 0, फिर 1। देखो तो ये आंसर आया है क्या, 1000 1001। आप सब लोग चेक करिए अपना अपना, सब लोग चेक करो भाई अपना अपना। वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन यार, सारे लोग का बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छी बात है। मेहनत इसी कदर होना चाहिए। अगर आप इच्छुक होंगे सीखने के लिए तो आपको गणित हम सिखा के छोड़ेंगे, समझे। और इतनी कम फी में यार पूरी गणित को सिखा रहे हैं, ये थोड़ी मोड़ी बात है। कुल मिलाकर के आपको 5 से 6 सबमिट कराया जाएगा, उसको अगर डिवाइड करिएगा तो लगभग आपका 55 से 60 रुपया आपका पड़ रहा है, 60 रुपये 65 रुपया आपका पड़ रहा है। 60-65 रुपया में आपको पूरा गणित पढ़ाया जा रहा है, अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर हो जाएगा। इस बात को यहां पर सब लोग समझिए, आगे बढ़े। अरे बोलो यस नो। चलिए अब आपको हम सिखाएंगे कि बाइनरी दिया रहेगा तो डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो यहां पे हेडिंग लगा लेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल यहां पे हेडिंग लगा लेंगे सब लोग, बाइनरी टू डेसिमल। अब देखो जी, हम यही वाला बाइनरी लेते हैं, यही वाला लेते हैं, देखते हैं कि 137 आता है कि नहीं आता है, यही वाला लेंगे 1301201। देखो यही ले रहे हैं हम एग्जाम्पल में, 1301201। इसका आंसर तो आप लोगों को पहले से पता है, कितना पता है 137 अभी जो बताए हम, तो 100 आंसर क्या लिख रहे हैं भाई, व्हाट अ बेस में 10 लगा दिया, 2 लिखा है इसका मतलब बाइनरी दिया है, और 10 लिखा है मतलब दशमिक में पूछ रहा है डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में पूछ रहा है। अब कहोगे सर तरीके सिखाइए ना कैसे करेंगे, तो भाई एकदम जहर कंसेप्ट
बोलिए। अब सिट, अब ठीक है, बोलो भाई, साउंड जा रहा है अब, और बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, चला, इसलिए नहीं जा रहा था भाई। देखो अब सुनिए, यहां पर हाँ मैं पढ़ा रहा था कि बाइनरी को डेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे। तो बाइनरी नंबर हमने एक ले लिया और इसको बदलना है डेसिमल में। ये दो बेस में है मतलब बाइनरी, और 10 बेस में मतलब डेसिमल है। तो कैसे बदलते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, आपको राइट साइड से चलना है। देखो इसी को हम उतार लिए यहां पर, और राइट साइड से चलना है, राइट साइड से चलना है ना। और यहां पे लिखना क्या है, देखो एक से शुरू करना है, एक, आ एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, दुना आठ, दुना सोलह, दुना बत्तीस, दुना चौसठ, दुना 61, सबके माथे पर लिख दीजिए आप, ठीक ना। और उसके बाद जीरो के माथा पर जो जो है उसको आप काट दो, यहां पर जीरो के माथा पर जो भी है उसको काट दो, क्योंकि जीरो गुना दो जीरो हो जाएगा, जीरो गुना चार जीरो हो जाएगा, जीरो गुना सोलह जीरो हो जाएगा, जीरो गुना बत्तीस जीरो हो जाएगा, जीरो गुना चौसठ जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। एक के माथा पर है उसको आप जोड़ दीजिए, बोलिए एक के माथे पे 128 है, 128 गुना एक कितना होगा, 128 होगा, प्लस यहां पर एक के माथा पे आठ है तो आठ है कम आठ, और फिर एक के माथे पर एक है एक। अब इन तीनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, यानी मान के चलिए कि इस प्रकार आपको लिखना है, और एक के माथा पर जो जो है उसको जोड़ देना है, एक जोड़ना है, आठ जोड़ना है, 128 जोड़ना है, तो बताइए कितना हो गया चला जी, 137, और ये हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें एरो देखिए दिखा दिए पीछे से, शुरुआत किससे करना है बाबू, एक से करना है, एक, आ एक का दुगुना दो का दुगुना चार दुगुना आठ दुगुना सोलह दुगुना बत्तीस दुगुना चौसठ, जीरो के जो माथा पे रहेगा उसको मत जोड़िएगा, एक के माथा पे जो रहेगा उन सबको खाली जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही इस बाइनरी का डेसिमल फॉर्म आएगा। हाँ जीरो को काट देंगे और एक वाला लेंगे, इस बात का यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग, है ना। एक और प्रश्न लेते हैं, तब एक आपको देंगे हम, एक और प्रश्न लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जैसे ले लिया हमने 111101 ले लिया, ये आपका बाइनरी है और इसको बदलना है किसमें चला जी, डेसिमल में। तो लिखते हैं, देखिए ना, 111101, देखो इसको पहले लिख लिया, 1 4 1 0 1 लिख दिए। अब देखो इसमें करना क्या है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से देखो कैसे शुरू करते हैं, एक, और एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना आठ, आठ का दुगुना सोलह, सोलह का दुगुना बत्तीस, जीरो के जो माथा पे उसको खत्म कर देंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे, जोड़िए ना, बत्तीस प्लस, अरे इसको जोड़ो, बत्तीस और सोलह कितना 48, 48 और आठ कितना 56, 56 चार 60, 60 और एक 61, 61 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए आप लोग कि क्या आप बाइनरी को डेसिमल में बदल पाएंगे, यस और नो, ये जवाब हमको आपसे चाहिए, देना पड़ेगा आपको। आप हमको बताइए कि क्या बाइनरी को आप डेसिमल में बदल पाएंगे, क्या अगला प्रश्न हम लिखने वाले हैं तो क्या उसका आंसर आप दे पाएंगे, एक बार कमेंट करके बताइए सब लोग। अगला प्रश्न जो हम बोर्ड पे लिखने वाले हैं क्या उसका आंसर आप दे पाएंगे, कमेंट करके बताइए सब लोग, क्योंकि तभी हम सवाल देने वाले हैं, बात जान लीजिए। अगला क्वेश्चन हम तभी लिखेंगे जब आप यस और नो बताओ। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग दे पाएंगे, बहुत बढ़िया। तो आइए ना एक प्रश्न देते हैं जिसका आंसर आप सब लोग बताइए यहां पर। देखो जी, 111
0101। बढ़िया से लिखिएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए, और इसको डेसिमल में बदलना है। चलिए आपको हम समय दे रहे हैं, आप सब लोग इसका आंसर कमेंट में एकदम झट से विद इन कह सकते हैं 5 to 10 सेकेंड, फटाफट आप एकदम हमको बताइए। आप चलिए आया जी, निकाल रहे हैं, 101 आ रहा है आंसर, 105 आ रहा है, 1011 आ रहा है ना, 101, 105 होगा, 101 होगा, 105, 165 भी आ गया किसी का, वाह, 244 भी आ गया, 165 आ गया, 101 की संख्या सबसे ज्यादा है, 101 की संख्या सबसे ज्यादा है, 69 भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, 185 भी आ गया, वाह बहुत बढ़िया आपका। चलिए देखिएगा 121 भी आ रहा है कुछ लोग का, 101 की संख्या वैसे सबसे ज्यादा है, देखते हैं चांस बन रहा है कि 101 ही इसका उत्तर हो, देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 1, फिर इसके बाद लिख लेंगे 1, फिर लिख लेंगे 0, फिर लिख लेंगे 0 और फिर 1, फिर 0, फिर 1, पहले इसको हमने उतार लिया। अब इधर से देखो क्या लिखना है, माथे पर ऐसे लिखना है, 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 0 के माथा पे उसको आप उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब जो 0 के माथे पे उसको आप खत्म कर दीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए 64 और 32 यदि हम जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, 96 और 4 जोड़ेंगे 100 और 1 जोड़ेंगे तो 101। जिन विद्यार्थी ने 101 आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है यार, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया आपका 101 बिल्कुल राइट आंसर आपका है। तो यहां पर बाइनरी नंबर में आपको मुख्य रूप से कन्वर्जन ही सीखना है, एसएससी जीडी के एग्जाम में कन्वर्जन ही आ सकता है, डेसिमल दे देगा बाइनरी में पूछेगा, बाइनरी दे देगा डेसिमल पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थी को जो है बेहद चीजें समझ में पूरा विस्तार से आया होगा आपका, ठीक है। अब हम टॉपिक को चेंज करेंगे और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो भाई साहब है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है। क्या भाई साहब? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? स्थानीय मान कहते हैं। और फेस वैल्यू की यदि हम बात करें तो इसको हम लोग अंकित मान कहते हैं या फिर इसको हम जातीय मान भी कहते हैं, इसको हम जातीय मान भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसको हम प्लेस वैल्यू या फिर इसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। कहोगे सर सिखाइए प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है, तो एक सवाल सीखने के लिए जो है ना वो आपका काफी है। जैसे देखो 3 7 5 9 2 4 एक संख्या है और इसमें 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, शॉर्ट में इसको आप लिख सकते हैं पी भी, प्लेस वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, प्लेस वैल्यू निकालना है तो 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो आप 7 लिख दीजिए, जिसका निकालना है वो लिख दीजिए और उसके बाद कितना अंक है गिनो, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो बैठा दीजिए यहां पर, यही आंसर हो जाएगा। अगर कोई कह देगा कि आप बताओ 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, उसी प्रकार 3 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 3 को लिख देंगे, उसके बाद देखो 3 के बाद की कितना अंक है गिनिए, 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 को 0 इस पर बैठाना पड़ेगा आपको,
यानी जितना अंक उतना ही जीरो आंसर हो जाएगा। अगर कोई कह देगा कि सर पांच का हमको बताइए प्लेस वैल्यू, बताइए पी भी प्लेस वैल्यू, तो कोई बात नहीं पांच लिख देंगे। और इसके बाद कै गो अंक है दाहिने साइड में, एक दो तीन गो अंक है, तो तीन गो इसमें जीरो बैठा देंगे। अगर कोई कह देगा कि सर तीन ही का आप तीन ही का फेस वैल्यू बताइए, तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है फेस का वैल्यू, जो दिख रहा है, जो सकल सूरत चेहरा जो दिख रहा है वही उसका मान है। तो बोलो तीन का फेस वैल्यू क्या होगा? तो तीन ही होगा आपका। कोई कह देगा कि सर चार का फेस वैल्यू कितना होगा? फेस हम लिख रहे हैं एफ भी, तो चार ही आपका होगा। दो का कोई कह देगा कि फेस वैल्यू कितना होगा? तो दुए होगा। नौ का फेस वैल्यू नौवे होगा, पांच का फेस वैल्यू पांचे होगा, सात का फेस वैल्यू सात ही होगा। फेस वैल्यू किसी अंक का स्वयं वही अंक होता है, तो इस चीज को नोट करिएगा, यहां पर इस चीज को नोट करिएगा। फेस वैल्यू किसी अंक का खुद वही अंक होता है, वही अंक होता है। चलिए इन चीजों को जल्दी से नोट करिए और उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगला सवाल में हम फेस वैल्यू पूछना चाहते हैं, देखते हैं कितने विद्यार्थियों का सबसे पहले, यहां पर स्टॉप वॉच भी हम चलाएंगे, और किसका सबसे पहले सही जवाब आता है। ये आपस में देखते हैं, कंपटीशन की भावना उत्पन्न होना चाहिए। देखते हैं इतने सारे नाम में से किसका नाम का आंसर सबसे पहले आएगा अगले सवाल में आपका। पहले इसको आप नोट कर लीजिए और उम्मीद करते हैं आप सब लोग तैयार भी रहिएगा और समझ भी गए होंगे। जब भी आपसे लिख रहा हूं प्लेस वैल्यू, बहुत सिंपल है, उस अंक को लिख दीजिए, अंक को लिख दीजिए, और उसके बाद जितने भी अंक रहेंगे उतने जीरोज बैठाना है। नौ का बोलता कोई प्लेस वैल्यू तो नौ लिख देंगे, और दो अंक है तो दो जीरो बैठा देंगे, 900 आपका। अब फेस वैल्यू का मतलब ज्यों कहते हूं, तो आप प्लेस वैल्यू भी सीख लिए और फेस वैल्यू भी सीख लिए। अगला सवाल स्टॉप वॉच के साथ, देखते हैं कितने विद्यार्थी का आंसर सबसे पहले आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग लिख लिए, तो लिख लिए तो आप सारे विद्यार्थी बता दो, यहां पर आप सारे विद्यार्थी बता दीजिए। देखो 3 9 7 8 4 2 2 एक संख्या दिया है, एक संख्या दिया है, और इसमें इसमें प्लेस वैल्यू इसमें इसमें सात का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर कितना है बताइए सब लोग। टाइम स्टार्ट आपका हो चुका है। इसमें सेवन का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर कितना है? सेवन का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर कितने लोग आंसर करते हैं मैं देखता हूं यहां पर। हाँ देखो अभिनव का आंसर आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है। अभिनव का जो है सबसे पहले आंसर आया है, बहुत बढ़िया आपका। अभिनव का आंसर आया है, अब इसके बाद लाइन लग गया भाई। 6993 है ना, बहुत अच्छी बात है अभिनव, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जो है चीजों को आप करते रहिए। देखिए इसमें क्वेश्चंस में कह रहे हैं सात का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर कितना है, फिर से एक बार कंपटीशन कराएंगे भी तुरंत अभी, है ना, अगले सवाल में। देखिए सेवन यहां पर है
और सेवन का सबसे पहले आपको करना है प्लेस वैल्यू, तो सात लिख देंगे, और इसके बाद तीन गो अंक है तो तीन गो जीरो बैठा देंगे 7000। और फिर यही सात का हम क्या लिखेंगे, यही सात का हम लिखेंगे फेस वैल्यू, तो खुद साते होगा वही अंक होगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि इसका अंतर बताइए, तो अंतर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 7000 में से 7 को घटा देंगे तो 6993 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी अन्य लोग भी आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बहुत बढ़िया। चलिए तो उम्मीद करते हैं सब लोग इस चीज को समझे होंगे। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का आता है वो मैक्सिमम ये चीजें पॉइंट में दिया रहेगा संख्या और पूछा जाता है, तो पॉइंट वाले संख्या का हम पीवी और एबी कैसे निकालेंगे इस चीज को यहां पर सब लोग सीखिएगा, है ना। देखिए एक सवाल यहां पे ले लिए हम, एक सवाल ले लिए 7 2 9 5 4 और यहां पर मान लेते हैं ऐसे, एक मिनट सॉरी 7 2 9 5 4 5 4 2 ऐसे, और यहां पर पॉइंट है, पॉइंट है। सबसे पहले बताइए टू को हम थोड़ा बदल दे रहे हैं, टू को हम थोड़ा बदल दे रहे हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। टू को थोड़ा हम कर देते हैं यहां पर एट कर देते हैं। अब सुनिए इसमें इकाई अंक कौन है, तो सबसे पहले आपको यह पहचानना है इकाई अंक इसका क्या है, आठ है कि दो है। तो भाई साहब आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका इकाई अंक दो है, ये तो जीरो पॉइंट समथिंग है, तो एक से भी कम मान है, इकाई मतलब एक होता है, तो इकाई अंक अगर डेसिमल रहेगा दशमलव रहेगा तो इकाई अंक आठ नहीं होगा, इकाई अंक यहां पर दो होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये चार का कह देगा, ये चार का कह देगा कि प्लेस वैल्यू बताइए, चार का कह देगा प्लेस वैल्यू, तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, तो देखो दशमलव यहां पर है तो ये दशमलव यहां पर लिख दीजिए। अब आप चार तक पहुंचिए, चार तक पहुंचिए, बीच में जितना है सबको जीरो करिए, देखो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, और चार हो गया आपका, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप आइए यहां पर, अगर हम चलते हैं पांच पर, अगर हम यहां पर चलते हैं तो देखिए दशमलव लिखेंगे और फिर यहां क्या जीरो, और फिर यहां क्या पांच, आपका दशमलव जीरो पांच, दशमलव जीरो पांच, यानी यही आपका हो जाएगा, ये इसका प्लेस वैल्यू, ये इसका प्लेस वैल्यू। कोई कहेगा कि सर आठ का प्लेस वैल्यू बताए ना, थोड़ा ध्यान सब लोग, आठ का प्लेस वैल्यू लिखना है तो दशमलव लिख दो और आप आठ तक पहुंचिए और सबको जीरो करते चलिए, देखो ये जीरो हो जाएगा, ई भी जीरो होगा, ई भी जीरो होगा, ये आठ है तो यहां पर आठ लिख देंगे, ये चीज आपका हो जाएगा, क्योंकि कहोगे सर इस सब का मान एक से भी कम आ रहा, तो बाबू ये पॉइंट के इस तरफ है, इस सब का मान एक से भी कम है तो प्लेस वैल्यू का मान भी एक से कम होगा। कोई पूछेगा कि सर सात का प्लेस वैल्यू बताइए ना, सात का प्लेस वैल्यू बताइए, तो देखो ये है इकाई अंक, आई है दहाई अंक, दहाई अंक, तो सात लिखेंगे, दशमलव के इधर नहीं इधर है, सात लिखेंगे और उसके बाद सिर्फ एक अंक है तो यहां पर एक जीरो बैठाएंगे, 70 हो जाएगा। ऐसे भी इकाई दहाई दहाई दहाई, यानी 10 को 7 से गुणा करेंगे, प्लेस वैल्यू का मान 70। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू कहीं हो, पॉइंट को इधर हो या उधर हो, फेस वैल्यू कहीं भी हो वही उसका मान होता है। कोई पूछ देगा कि चार का फेस वैल्यू क्या होगा, ए बी क्या होगा, तो चार ही आपका होगा, चार का फेस वैल्यू क्या होगा, तो चार ही होगा, इस बात का ध्यान रखना आप सब लोग, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए, इसको पहले आप नोट कर लो बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। चलिए एक प्रश्न आप सारे विद्यार्थियों के लिए देखते हैं, किस विद्यार्थी का आंसर सबसे पहले आता है, भाई कमेंट एकदम करना दबा करके, कंपटीशन होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा एकदम,
है ना। लीजिए हम लिख दिए 7.593284, ठीक है ना। अब आप सभी को बताना है कि इसमें 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, बस यही क्वेश्चन है सिंपल, 8 का प्लेस वैल्यू कितना है। देखते हैं कितने विद्यार्थियों का सही जवाब आता है। 8 का प्लेस वैल्यू आप सभी को क्या करना है, बताना है। 8 का प्लेस वैल्यू आप सभी को बताना है। पॉइंट लगा हुआ है ना, बताइए सब लोग 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा। 0.28। यहां भी कुछ लोग गेस कर रहे हैं ना, लेकिन सबका गलत आ रहा है। हाँ अजय जी का सही है। चलिए जल्दी से बताओ भाई, बिल्कुल सुधा 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 का, सुधा पंडित का बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहला आंसर जो है सुधा पंडित का है। इसके बाद तो भाई साहब लाइन लग गया आपका, बहुत अच्छी बात है। सुधा पंडित बिल्कुल हमने नाम लिया, जिसका भी सही जवाब है बहुत बढ़िया आपका, लेकिन सुधा का सबसे पहले सही आंसर आया है। देखिए करना क्या है, यहां पर पॉइंट पॉइंट जो है यहां पर पॉइंट लिख देना है, और आपको 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो आपको 8 तक जाना है। पॉइंट से कहां तक जाना है, 8 तक। बीच में जितने अंक आएंगे सबको जीरो करना है, यानी यहां जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, और यहां पे 8 ज्यों का त्यों लिख देना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.0008, 0.0008। अगर कोई पूछ देगा कि 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो सिंपल है, देखो पॉइंट पॉइंट फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो, और लास्ट में 4 उतार देंगे, ये प्लेस वैल्यू होगा। अगर कोई कह देगा कि फेस वैल्यू कितना होगा, तो फेस वैल्यू खुद वही अंक होता है, चाहे वो कहीं रहे। 2 का फेस वैल्यू तो 2 होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थी को आज ये 3 टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हमने 3 टॉपिक आपको पढ़ाया, एक पढ़ाया आपको रोमन नंबर पढ़ाया, दूसरा हमने आपको पढ़ाया बाइनरी नंबर, तीसरा हमने आपको पढ़ाया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आपका, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक आप सभी को उम्मीद करते हैं 100% क्लियर हो गया होगा। एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो कि क्या आप सभी को ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गया, एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए। और बाकी जो है सेशन को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और वापस यहां से आगे मिलेंगे हम कल के क्लास में। आप सारे विद्यार्थियों को फिर से बता दूं कि 350 में कंप्लीट जो है आपको एसएससी जीडी की तैयारी हमारी एएसओ टीम करा रही है। आप सारे विद्यार्थियों से गुजारिश है कि अपने सारे मित्रों के बीच जो है सेशन को बताइए, कोर्स के बारे में बताइए, और जो बच्चे ऐसे जो पैसे के अभाव में जो है क्लासेज नहीं कर पाते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, खास करके उन विद्यार्थियों को बताइए। क्योंकि हमारी प्रयास है कि जितने भी गरीब विद्यार्थी हैं जो मोटा मोटा रकम एफर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम अपनी सपनों को साकार करें इस उम्मीद बैच में पढ़ करके आपका, ठीक है। धन्यवाद, बाय, लव यू आप सभी को।